हेलो एवरीवन। और आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी। आप लोग गेस करो ये कौन सी रेसिपी है। वैसे मैं बता देती हूँ, ये इंस्टेंट रावा अप्पे है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें वेजी है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। मैं बनाती हूँ और आप भी वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सूजी लिया, ये दही है। फिर यहाँ मैंने ये कद्दूकस कर लिया है, गाजर को थोड़ा सा चॉप किया है, प्याज को और हरी मिर्च को। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके बनाऊंगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, सूजी का पैकेट आप लोग के सामने कट कर रही हूँ कि आप लोग देखोगे कि सूजी का ही मैं बना रही हूँ, कोई और चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने अंदाज़ से ले रही हूँ, आपको जितना बनाना है आप उस अंदाज़ से ले सकते हैं। और ये आप देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 1 बाउल के करीब है जो बाउल मैं यूज करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अदर रेसिपी में, तो उसी के बाउल से मैंने लिया है 1 बाउल। और फिर ये कर्ड मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था क्योंकि लम्स थे। तो कर्ड को अच्छे से आप चम्मच से या मिक्सी में अच्छे से आप मिक्स कर लो। और फिर इसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी जैसे आपको करना है। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी मिक्स करके, क्योंकि ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए हमारा बैटर, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। जैसे इडली का बैटर होता है ना, सेम बैटर उसी तरह का बनाना है आपको। और ऐसे ही आपको करते रहना है। और फिर इसको मैं ढक के रख दूंगी क्योंकि इसको थोड़ा सा फूलने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि रवा है और रवा का आप जानती ही हो कि थोड़ा सा फूल जाता है तो और अच्छा बनता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ दिया है, ऐसे ढक के छोड़ दूंगी मैं 10 मिनट के लिए। इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी, और 10 मिनट बाद मैंने यहाँ तड़के के लिए पैन रख लिया है। तो ये आप पॉट देख ही सकते हो जिससे दाल में तड़का डालते हैं। तो इसमें मैंने सरसों का तेल लिया था और राई लिया है ब्लैक वाली, और ये करी पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से इसको लास्ट में करी पत्ता ऐड किया है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ग्रीन नज़र आता है तो अच्छा लगता है। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ देखो मैंने डाल लिया है बैटर में, और इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो तड़के में चना दाल और उड़द ये सब कर सकते हो। और उसी पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लेके कंगाल के फिर से डाल दिया है क्योंकि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा था, तो इस वजह से मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैंने जो भी सब्जियां काट के रखी हैं वो डालूंगी, और नमक भी मैंने लास्ट में डाला है, आप देख ही रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं डाला है क्योंकि जब आप बनाने जाओ तब डालो, नहीं तो वो नमक भी पानी छोड़ता है। इस वजह से लास्ट में आपको डालना है। और यहाँ मैंने मिर्ची ऐड कर दिया है, और मिर्ची ऐड करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्याज ऐड करना है, जो प्याज डालना है। तो थोड़ा सा मैंने चॉप, फाइन चॉप किया था, एक छोटा सा प्याज लिया था मैंने। और फिर ये जो मैंने कैरोट कद्दूकस किया था, गाजर भी बोलते हैं, तो कद्दूकस करके लिया है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और कलर देखो बैटर का कितना अच्छा बन चुका है, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। तो फिर आगे देखिए, फिर यहाँ मैं आ गई हूँ। पैन अप्पे पैन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, आप ले सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा वॉयल वाला बना रही हूँ, और कम वॉयल भी बनाऊँगी। बिना वॉयल के भी आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा वॉयल का बनाया है। और बस आप ये स्पून देख रहे हो ना, छोटा सा स्पून लेना है, और बस एक स्पून आपको हर जो सांचा है उसमें डालना है। और देखो कितने अच्छे से ये हो जाएगा। और इसमें मैंने पहले किनारे से इसलिए डाला है ना कि किनारे का जो होता है ना वो जल्दी गर्म नहीं होता है, तो सबसे पहले मैंने वहाँ डाला है। और बीच में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो इसलिए बीच वाला लास्ट में डाला है, और ढक दिया है। ढकने के बाद ये देख लो आप कितने अच्छे से हो गया है, और बिल्कुल सारे को मैं पलट दूंगी अच्छे से, आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और फिर से इस पे ना मैं वॉयल डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ये मुझे अच्छा बनाना है आप लोग के लिए। वैसे जो हेल्दी खाना चाहते हैं ना, वो बिना वॉयल के बनाए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं तो अपने लिए बिना वॉयल के बनाती हूँ, और ये जो बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ।
तो और आप लोग भी देख लो कि कैसा बनता है इस वजह से। और देखो ऊपर से फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप जो घी यूज करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज कर रही हूँ वही आप यूज कर सकते हो। हेल्दी बनाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बटर, घी, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। और फिर मैंने ढक दिया है और ढक के पकाया है। आप देखो जैसा अगर आपको ज़्यादा क्रंची करना है खाना है तो आप ज़्यादा क्रंची बनाओ, थोड़ा सा सॉफ्ट खाना है तो आप सॉफ्ट बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं। और पलटने के लिए ना आपको कुछ पतला सा, जैसे मैंने यहाँ चाकू यूज किया, अगर आपके पास लकड़ी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, और चाकू चम्मच जो भी है लेकिन बिल्कुल नुकीला होना चाहिए, उस टाइप का आप यूज करो। और देखो जिधर का ज़्यादा रेड हो गया है मैं पलट पलट के उधर किनारे कर रही हूँ और निकाल रही हूँ, लग रहा है कि हो गया है। बीच वाले जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ मेरा हो गया है और निकल गया है। देखो कैसे कलर आ गया है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। आप लोग भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं और इसमें आप और सारी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा सब्जियाँ तो ऐड नहीं की है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं था, मेरे पास नहीं था, मेरे पास बस गाजर था, प्याज था। हाँ यहाँ पे आप टमाटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने टमाटर यूज नहीं किया है क्योंकि आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है और उतना अच्छा भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैंने नहीं यूज किया है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ बिल्कुल ये जो ऑयल है ना, साँचे में बस इतने ही ऑयल में मैं इसको बना लूँगी, तो यही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इतने टेस्टी एंड यमी बने हैं कि आप लोग खुद बना के खाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने टेस्टी ये बने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ऑयल आप यूज ना करें तो और ज़्यादा हेल्दी बनता है यहाँ पे। और जितनी सब्जियाँ आप यूज कर सकते हो कर लो, और बच्चे तो बहुत पसंद से खाएंगे। और ढक दिया है मैंने, यहाँ देखो बन के रेडी हो गया है। और कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और खाने में तो बहुत यम्मी लगता है मैं बता रही हूँ। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।